कारण जो होता है बच्चों में, पेट में जो कीड़े होते हैं, बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, हुक वार्म, रोड वार्म, वो कीड़े जो पेट में होते हैं और उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, भूख बार बार लगती है, क्योंकि पेट में जब कीड़े होते हैं आपको बार बार भूख का एहसास होता है। लेकिन ये सब चीजें जो किससे होती है, कीड़े कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, मेन जो इसमें होता है कारण वो होता है अनहाइजीनिक, साफ सफाई का अगर आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे। मैं पहले भी कुछ दिन पहले आया था, हर एक क्लास में मैंने आपको हैंड वॉश का, सर भी मेरे साथ थे, सफाई के बारे में जब बात हुई थी, अलग प्रोग्राम हुआ था, उसे मैंने आपको हैंड वॉश के तरीके भी, आज मुझे कोई बच्चा यहाँ पर आकर थोड़ा सा बताएगा कि क्या मैंने बोला था उस दिन और कैसे वो हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश किस तरह, कोई जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर बच्चों को बता बेटा। उस दिन मैंने बताया था कि हैंड वॉश एक हुआ ना कि पानी अपने ऐसे नल खोला, ऐसे हाथ धोया और खाना जल्दी है मेस में जाना है, खाना शुरू करना है, लेकिन प्रॉपर जो है मैंने प्रॉपर हैंड वॉश जो मैंने आपको सिखाया था उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था याद रखने के लिए, मुझे लग रहा सब कम हो गया याद है ना, क्या क्या मैंने बताया था, सुमन के, हाँ सुमन के मैंने बताया था, बिल्कुल आपको याद है। उसके क्या है कि आपको चीजों को हाथ धोने के जो प्रॉपर हैंड वॉश का तरीके हैं वो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अस्से हो गया सीधा, यू से हो गया उल्टा, आगे एम है, एम से क्या है मुट्ठी, उसके बाद ए से आया अंगूठा, उसके बाद जल्दी जल्दी ये सिद्धांत है ये हाथ धोने के। इसी तरह से जब आप बाहर जाते हैं, आप खेलते हैं ग्राउंड में, वहां पर बाहर जो गंदगी होती है उसको आप प्रॉपर वहां से आकर हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो उस वजह से जो है ये किसी भी तरह से जो कीड़े हैं उसके सेल जो है, उसके अंडे जो है वो आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं, तो पेट में बनते हैं कीड़े। उससे क्या क्या आपको भूख ज्यादा लगती है, कमजोरी वीकनेस होती है, तो इसमें बहुत हाइजीनिक का ख्याल रखना है, मतलब साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उस वजह से भी बच्चा जो है अगर पेट में आपके कीड़े होंगे ना, तो उस वजह से भी आप एनीमिक हो जाओगे, खून की कमी हो जाएगी, आपको वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आएगी। इसीलिए हमारा एक नेशनल प्रोग्राम चलता है डिवर्मिन का, इस साल यहाँ पर डिवर्मिन नहीं हुई, तो आज हमने ये अल्बेंडाजोल की टेबलेट आती है, इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है, बड़े भी खा सकते हैं, टीचर जो मैम है इनको भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। ये होता है छह महीने में एक बार ये टैबलेट मीठी होती है, मीठी टैबलेट होती है, छह महीने में एक बार ये टैबलेट खानी है कि अगर पेट में कीड़े हैं उनके लिए छह महीने में एक बार ये जरूर खानी चाहिए। तो ये भी हमने आज साथ लाई है, एनीमिया आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी लाई है, जिसको हमको लगेगा ये तो सभी बच्चे खा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, और एनीमिया चेक करने का एचपी मीटर भी लाया है, किसी किसी को जिसको हमको लगेगा कि इस बच्चे का खून काम, इसको हम चेक भी करें, किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी जो भी चाहेगा इसको ब्लड चेक करेंगे कि कितना पॉइंट खून है। ये टैबलेट्स जो आयरन फॉलिक एसिड के हैं ये तो सभी ने खानी है, ये हफ्ते में एक बार टैबलेट आपने खानी, वो एक दिन याद रखना है। जैसे अगर मंडे को ये मैं सारा जो हैंडओवर आपकी मैम जो नर्स मैम यहाँ बैठी है इनके हैंडओवर करेंगे, बच्चों के हाथ में दवाई नहीं देंगे, इसलिए बच्चे ने किसी गुस्से में आकर ये पूरा खा लेते हैं, ये हम नर्स मैम के हैंडओवर करेंगे, ये प्रॉपर आपको इनके पास ये मेडिसिन रहेगी। ये हफ्ते में एक दिन कोई मंडे का दिन जैसे ये रखेंगे तो असेंबली में या बाद में मंडे के दिन एक एक गोली सब बच्चों ने ये खानी है, इससे किसी को खून की कमी है वो पूरी हो जाती है, जिसका खून बॉडी में कम होगा। टेस्ट भी करेंगे कि इसका कितना पॉइंट खून है और उसके बाद ये टैबलेट्स भी आपको दे देंगे। अल्बेंडाजोल की टैबलेट भी इनके पास रखेंगे हम, ये एक दिन सब बच्चों को डिवर्मिन की टैबलेट दे देंगे, डेट लिख के रखेंगे।